Hey guys, मैं मुश्ताक की एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम कर रहे हैं गेमिंग रिव्यू नए डिवाइस Realme 7 Pro का। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू Realme 7 Pro है, इंडियन रिटेल यूनिट है ये। और यहां पर हम करेंगे गेमिंग रिव्यू। तीन गेम्स आप देख रहे हैं जनरली जो हम खेलते हैं, पबजी मोबाइल, कोरियन एसफॉल्ट 9 एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। ये तीनों जो गेम्स हैं यहाँ पर हम खेलेंगे एंड बेसिकली यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे और हैंड कैम भी दिखाएंगे कि कैसी परफॉर्मेंस है रियलमी 7 प्रो की, कैसा ये गेमिंग को संभालता है, क्या क्वालिटी सेटिंग्स मिलती है, ये सारी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एसफॉल्ट 9 से। इसका रिकॉर्डेड गेम प्ले भी दिखाऊंगा। एग्जैक्टली 30-30 मिनट में तीनों गेम्स को खेलूंगा। हालांकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक केबल और ये सारा तामझाम कनेक्टेड है, ये इसलिए क्योंकि मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ थ्रू वाइजर ऐप। मैं यहाँ से इसकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ चेक करने के लिए कि गेम प्ले आपको कैसा नजर आता है। लेट्स प्ले एसफॉल्ट 9। सो अब फिलहाल गाइज आप इसका रिकॉर्डेड गेम प्ले भी जो है देख पा रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पर थ्रू माय मैक एंड थ्रू वाइजर ऐप जो है हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये गेम प्ले जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 720p में हो रहा है। तो इसलिए अगर इसकी क्वालिटी अगर आपको थोड़ी अच्छी ना लगे तो पहले से ही उस चीज़ के लिए माफ़ी। एंड चलिए अब करियर को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। राइट गाइस, सो ब्राइटनेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा ब्राइटनेस जो है फिलहाल यहाँ रखी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। राइट गाइस, सो ये अब हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट खेलते हैं। और राइट गाइस, ये गेम भी बड़े आराम से हम जीत जाते हैं। गाइस मैं वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताना भूल गया। फिलहाल आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर अभी 30 डिग्री है
एंड डिवाइस टेम्परेचर यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो चुका है, 43 आप देख सकते हैं, यहाँ 44 के आसपास पहुँच गया है। सो अब हम खेलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कॉल ऑफ ड्यूटी, एंड इसमें हम चेक करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। जो पिछली गेम हम खेल रहे थे वो हाई क्वालिटी ग्राफिक सेटिंग्स में खेल रहे थे, विजुअल क्वालिटी वहाँ पे हमने हाई सेट कर दी थी, एंड यहाँ पर भी हम हाई क्वालिटी सेटिंग्स में ही गेम को आपको खेल के दिखाएंगे। राइट, सो यहाँ पे हम और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पबजी अभी भी बैन है, तो इस वजह से जो है कॉल ऑफ ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लोग अब खेलने लग गए हैं। राइट, सो ऑडियो ग्राफिक्स में हम जाके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली आपको लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई ऑप्शंस में वेरी हाई मिलता है। सो लेट्स सी, मैक्स मैक्स आपको हाई में मिलता है, वेरी हाई में आपको वेरी हाई ही ऑप्शन दिया गया है। सो लेट्स प्ले दिस गेम एंड देखते हैं कि कैसा रहता है यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कॉल ऑफ ड्यूटी का। सो गाइज, अगर आप जैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि जब यूएसबी डिबगिंग के थ्रू इसको रिकॉर्ड करते टाइम आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले, क्योंकि ये चीज़ मैंने पिछली बार M51 के उसमें भी हमने नोटिस करी थी कि ऐसा हो रहा था कि गेमिंग में वैसे तो सही चल रहा था फ़ोन पे, बट यहाँ जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तो नज़र आ रहा था कि फ्रेम ड्रॉप्स जो हैं वो गिर रहे हैं। तो इसलिए मैंने हैंड कैम लगाया है दिखाने के लिए कि अगर फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं तो यहाँ भी पता चल जाएंगे कि बहुत ज़्यादा ही फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। राइट, लेट्स सी। ओहो, भाई तीनों किल मेरे को ही मिले। कौन कौन सी गन है यार, मैं तो खेली भी नहीं है। ओह फाइनली।
ओह नाइस, वन वन शॉट किल था उसका। गाइस तो लैग तो नहीं देखने को मिला यार मुझे इसमें, एंड काफ़ी अच्छा चला है ये गेम। आई हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी। आप स्कोर देख सकते हैं मेरा 8178। सो इट वॉज फन प्लेइंग दिस गेम। सो यहाँ पर टाइमर का तो इतना वो कुछ अब रहा नहीं क्योंकि बैटरी तो जा नहीं रही है फिलहाल। अब बैटरी, ओ माई गॉड, आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 49 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। 49 आप देख सकते हैं यहाँ पे टच हो गया है। सो आगे की तरफ डिस्प्ले बहुत हीट रहा है, तभी कह रहा हूँ मैं, आप यहाँ देखें हाथ ही लाल हो गया खेलते खेलते। एंड पीछे की तरफ देखते हैं, और राइट सो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 47 तो टच आराम से हो ही रहा है। नीचे की तरफ ठीक है, इस तरफ सबसे ज़्यादा है, बैटरी काफ़ी जल्दी हीट हो रही है बिकॉज आई थिंक चार्ज भी हो रहा है। तो चार्जिंग के साथ अगर इसको खेलते हैं आप तो यहाँ पर आपका जो हिसाब किताब है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होने वाला है, मतलब गर्म जल्दी हो जाएगा। सो लास्ट में अब हम देखेंगे पबजी मोबाइल की सेटिंग्स। सो यहाँ पर पबजी मोबाइल सेटिंग्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या गेम प्ले सेटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, और इसके बाद जो गेम्स मैं आपको अब दिखाऊंगा पबजी मोबाइल की, वो मैंने रिकॉर्ड करी हैं इस मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर ऑप्शन के थ्रू। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको दिया गया है। सो यही स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन यूज़ करके बेसिकली मैंने जो है वो गेम्स को रिकॉर्ड कराए। सो फिलहाल आप देखिए कैसा है ये गेम प्ले। ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे बात करूँ पबजी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट सो सेटिंग्स में हम जाते हैं एंड ग्राफिक्स में हम जाते हैं, आप देख सकते हैं स्मूथ में आपको अल्ट्रा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और बैलेंस में भी आपको अल्ट्रा, एचडी में हाई, और बाकी और ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो मैंने जो गेम्स रिकॉर्ड करी हैं वो स्मूथ अल्ट्रा में रिकॉर्ड करी हैं, एंड ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस मैं कहूँगा Realme 7 Pro का बहुत बढ़िया है। हीटिंग कह सकते हैं मतलब थोड़ी बहुत है, बट अभी के लिए फिलहाल ये जो हीटिंग हो रही है क्योंकि इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने गेम प्ले रिकॉर्ड किया है यहाँ पर थ्रू USB। सो इस वजह से भी थोड़ा जो है हीटिंग हुआ है, बट अदरवाइज जब मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा था या मैंने अलग भी गेम्स इस पे खेली हैं तब मुझे ज़्यादा हीटिंग इसमें देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल परफॉर्मेंस Realme 7 Pro का मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू द गेमिंग। प्रोसेसर काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है इस डिवाइस के लिए, एंड जो परफॉर्मेंस सामने निकल के आती है वो काफ़ी बढ़िया निकलती है। ये रहा हेलमेट लेके, एक डाउन किया मैंने, इसे डाउन किया मैंने, इसके पीछे मार्क द लोकेशन, एक आ रहा लेफ्ट से, आ रहा अक्षय लेफ्ट से आ रहा, देखो चेतन लेफ्ट से आ रहा, देखो लेफ्ट वाली दीवार पे दिखेगा आपको। राइट से ना मारे कोई, वो देखो कूद रहा है, वो कूद के अंदर आ रहा है इधर आपके रोड पास कर ली क्या उन्होंने? हाँ रोड पास साइड ही है ना वो भाई, ये तो दिया, ये रोड के साइड, उस साइड कोई बताओ तो सही। अरे हाँ अब उस उसी तरफ ही है, यहाँ क्यों होंगे? इस दो साइड बार को मेरे मार पास किया, आना अरे मैं एक बार मार किया, अटके एक बार मार किया, वो भी रिवाइव दे दिया, तीसरा आ रहा है उसी उनकी तरफ है, वो भागा, ट्रक में गया एक बंदा, हाँ रोमा मैं पूरा रोड के उधर था भाई, बस एक रह गया, दो
देख के ठीक है, आराम से क्लियर आ गया मेरे पे अभी भी। ओपी गाड़ी चेंज कर लेता यार, एक्सटेंडर नहीं मिला गलत है। नहीं मिला मेरे को भी। दरवाजे खुले हैं बंदे अपार्टमेंट के, खुले 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 अपार्टमेंट के। ओ है बंदा है इसी बिल्डिंग में, अपन बंदा है राइट वाली जो कॉर्नर अपने है। में ले अपने में, हाँ अपने में ले, अपने ले उस पर चढ़ जाएंगे। हो गए भी तो कम ही हो गए यहाँ पे अगर डिवाइडेड होंगे, और कोई है ही नहीं। सात वाली बिल्डिंग्स में, सात वाले में सेंटर में भी है शायद। हाँ तो पहले स्काउट कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा स्काउट कर लेते हैं। ये पूरी लूटी भी नहीं है लोगों ने बिल्डिंग, क्योंकि पेन किलर एनर्जी ड्रिंक सब कुछ पड़ा है। ये लोग स्कूल लूट के यहाँ आए होंगे अभी के अभी। लाल बिल्डिंग में नॉक है, ये हैक कर रहा है क्या लाल बिल्डिंग वाला? ओ भाई भाई भाई, अरे हैकर है, हैकर है लाल बिल्डिंग वाला, हैकर है जो नॉक है, उसको बचने मत देना, बहुत तेज भाग रहा है वो, देखो उसको 99.99% हैकर है। उसका रन स्पीड देखना, वो बिल्डिंग के नीचे वाले गेट से पहुंचा ऊपर वाले गेट पे, राइट वाला मार रहा है यार सही में, गंदा मार रहा है, पूरी हेल्थ ले गया मेरी तो। सेंटर वाले को नॉक कर दिया, फिनिश कर दिया। गाड़ी चले, लास्ट बिल्डिंग वाला इंडियन नहीं मारा है, मैं अच्छी तरह जा रहा, मेरे को किल मिल गई, ये स्पॉट खत्म है। अभी भी वो स्पॉट वाले बंदा बचा है फिर। हाँ इसमें यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है साउंड, पहले लेते हैं आना। अरे नीड फेंक रहा है, मैं नेट डाल रहा हूँ बे। ये समझ नहीं आता, सामान ठीक है ड्रॉप तो किया, अगर तो बच भी गया और रिवाइव हो गया और तेरे ऊपर दूसरा स्क्वाड आ रहा है तो सामान उठाने का टाइम ही मिलेगा वापस। ऐसा कौन सोचता है भाई कि सामान डाल दूंगा मैं और नहीं दूंगा। अरे वो मेरे पास ही आ रहे हैं ना, मेरा मेरे वो बढ़ाने के लिए मेरे को हेल्प कर रहे हैं वो। ऐसे नहीं बढ़ेगा, सोलो खेल थोड़ा। सोलो में तो मैं मर जाता हूँ। अरे टेकी ये मस्त आइडिया सच में, अगर हाँ दो तीन फोन में ना सोलो से बेटर है, दो तीन फोन में खोल देना अलग अलग आईडी से अपनी, बचाते रहना। उसकी आईडी बच गई ना, उसी गेम में लंबा खेलना हो ना तो क्या करना पता है, उसमें से लॉग आउट इसमें लॉग इन, मर जाने के बाद। कोचिंग के चलते हैं लेफ्ट, रजाक से कंपन आए थे। ओए ओए बंदे, स्कूल ले ले, स्कूल ले ले, स्कूल ले ले, क्या कर रहे हो? बिल्डिंग्स लेना वापस, ठीक है बिल्डिंग्स लेना, स्कूल में नहीं। अरे स्कूल में स्नाइप कर सकते हैं ना, वो जा रहे हैं बिल्डिंग जा अच्छा, रहे हैं जा रहे, चल 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 चल, सीधा गए वो, और सीधा अगर वो रुक गए तो पीछे मत रोकियो, गाड़ी में तो ठीक है रोकियो मत उनके, एकदम से चलता जा चलता जा, पास लेंगे फिर मारेंगे। मेरे फ्यूल कम है गाड़ी में, आराम से आराम से। अंगे ले बोले 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 बोले, चलता जा चलता, कोई नहीं कोई नहीं, सबर ले ले ले, थोड़ा पास ले, लॉन्ग रेंज फायदा नहीं होगा।
मारूं क्या? अब मारते हैं, अब मारते हैं। फ्यूल खत्म हो रहा है। ओपी ओपी ओपी। हिट पड़ा रखो। बड़े जोशले बन रहे थे हाँ, तुमको पता भी नहीं चलता तुमको आ गया है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा इसलिए तो ये सब हो रहा है। अरे एक बार पढ़ लिया या कहीं देख लिया तो थोड़ा तो समझ। फाइट 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 फाइट, फाइट। पूरी भसड़ हुई, अकेला बेचारा सोया था यहाँ पे। ए गाड़ी गाड़ी, मेरे को एक भी किल नहीं मिला। सारे मेरे को मिले। एक तो गाड़ी खुद ही फोड़ दिया वो, एक एक बंदा गाड़ी खुद फोड़ा। सारे मेरे को मिले सारे। अरे अरे गाड़ी गाड़ी, ये रहा बाहर। ओ भाई अंदर आ, तो देख देख रोकने का फायदा देखा। अरे भाई स्ट्रेटेजी समझो, ये लोअर टियर लॉबी है, इसमें लोग सेंटर जाने की कोशिश करते हैं हमेशा, अपने जैसे हाई टियर में नहीं जाते। हाँ घर के अंदर होगे। चलो गाड़ी 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 येरा, येरा। येरा। एक ही था वो तो ड्राइव बाय करेगा मारना उसको। वो एक ही दिख रहा है मेरे को अभी भी। नहीं भाई एक ही है, इसको पैन मारना है भाई। अगर बंदा दिख गया ना तो स्मोक स्मोक कर देंगे उसके ऊपर। अरे ये वही वाला है, ये बगी वाला है, बगी वाला बगी वाला आया। देखो पैन मारो, ढूंढना पड़ेगा यार पर पेड़ों के बीच में। मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ इधर उधर, आपको स्पॉट करना पड़ेगा। मैं ध्यान दे रहा हूँ सर चलाने पे। मैं चारों तरफ देख रहा, क्या बात है यार, चारों तरफ देखना इज सो टफ। चेतन कैन अचीव दिस। अरे 360 डिग्री कैमरा है अपना, ये घर में बैठा होगा। घर पे रुकना, पहले देख लेते बाहर से स्पॉट करते हैं, अगर है ना तो अंदर नहीं जाना। सो गाइस ये था गेमिंग रिव्यू नए डिवाइस रियलमी 7 प्रो का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए। सो और कोई टेस्ट देखना चाहते हैं रियलमी 7 प्रो का तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, हैव अ गुड वन।